नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, यदि आप भी जो है समर में कॉक्सकॉम फ्लावर की सीडलिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और मैंने जो है आपके साथ इस वीडियो के शुरू में ही ये 9वें दिन का अपडेट शेयर किया है कॉक्सकॉम की सीडलिंग का। दोस्तों, इसके सीडलिंग प्रोसेस से पहले ही मैंने आपके साथ अपडेट शेयर कर दिया है, तो चलिए अब हम सीडलिंग प्रोसेस का वीडियो देख लेते हैं किस तरह से हमने कॉक्सकॉम की सीडलिंग करनी है। दोस्तों, आप यदि कॉक्सकॉम या फिर कोई भी अदर समर फ्लावर प्लांट का सीड खरीदना चाहते हैं तो सीड को ख़रीदने के लिए मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है कॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी सीड मंगवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हैं कॉक्सकॉम के सीड, काफ़ी हेल्दी सीड हैं। और इन कॉक्सकॉम के सीड के लिए जो मैं पोटिंग मिक्स लिया है, इसमें 50% नॉर्मल गार्डन सॉयल और 50% वर्मी कंपोस्ट है। बट दोस्तों, आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप काव डंग कंपोस्ट का यूज कर रहे हैं तो उसकी जो मात्रा है कम रखें, 70% नॉर्मल गार्डन सोयल और 30% काव डंग कंपोस्ट की लें। तो सभी सीड को जो है हमने सीडलिंग ट्रे में जो है बिखेर देना है। तो सीड को दोस्तों बिखेरने के बाद हम जो है पहले इस पर एक वाटरिंग की स्प्रे कर देंगे, पानी का स्प्रे करेंगे पहले। उसके बाद हम जो है इस सीड को कवर करने के लिए सेम पोटिंग मिक्स की एक पतली सी लेयर और बिछाएंगे। पहले हम वाटरिंग कर देते हैं। वाटरिंग के बाद अब हम जो है सेम पोटिंग मिक्स की फिर से एक पतली सी लेयर बिछा देंगे, जिससे कि सीड जो है कवर हो जाएं, खुले ना रहें। इसके बाद फिर से हम हल्की हल्की वाटरिंग कर देंगे। दोस्तों, ये सब करने के बाद हमने जो है अपने इस पोट को जो है पॉलीथीन से कवर कर देना। पॉलीथीन से कवर करने से दोस्तों सीड जल्दी जर्मिनेट होते हैं। और पॉलीथीन से कवर करने के बाद जो है हमने अपने इस पोट को जो है फुल सनलाइट वाली जगह पर रख देना है 3 से 4 दिन के लिए। आज दोस्तों तीसरा दिन है हमारे इस कॉक्सकॉम की सीडलिंग को किए हुए। अब हम जो इसकी पॉलीथीन को हटा देंगे और देखेंगे हमारे सीड जो है कितने जर्मिनेट हुए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने जो है अपने इस कॉक्सकॉम फ्लावर प्लांट की सीडलिंग की थी तो सभी जो सीड हैं लगभग जर्मिनेट हो चुके हैं। बाकी के जो सीड रह गए हैं वह भी बाद में जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये दोस्तों तीसरे दिन का अपडेट है जो अभी आप देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमने अपनी सीडलिंग ट्रे को फुल सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसे हमने ग्रीन नेट के नीचे रखना है या फिर ऐसी जगह पर रखना है जहां पर मॉर्निंग या फिर इवनिंग टाइम की 1 से 2 घंटे की धूप आती हो, बाकी टाइम में जो है छाया रहती हो। हमें इसको रिपोर्ट तब करना है जब हमारी सीडलिंग जो है 3 या फिर 2 इंच के लगभग बड़ी हो जाए। और दोस्तों, कभी भी मिट्टी को पूरी तरह से ड्राई नहीं होने देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।